अपने फैमिली को मिलने के लिए आए हैं। हम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअल में अफगानिस्तान काबुल से आया हूँ। मेरा घर इधर दार्जिलिंग में है। क्या है कि वहाँ पे जो भी पब्लिक के रश के वजह से बहुत प्रॉब्लम है और सरकार ने बहुत हमारे को मदद की, बहुत अच्छा वो किया और साथ साथ हमारे जितने भी एयरफोर्स के जो भी वो हमारे को एवेकेट किया, लेकिन सरकार ने हमारे ठीक टाइम पर एवेकेट किया। एक दो दिन और रुक जाता बहुत प्रॉब्लम हो जाए, हम भोगे मर जाना था। तालिबान से अभी हमें किस तरीके से एवेकेट किया वो तो आप लोग, मैं थोड़ा सीक्रेट नहीं बता पाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सरकार ने जो भी अभी भी फंसा हुआ है वहाँ पर कुछ भारतीय, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से हमारे को एवेकेट किया वो हम थोड़ा सीक्रेट रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी भी वहाँ पे कितना आदमी है अभी हम नहीं बता पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने जितना भी हमारे कोऑर्डिनेटर था उसको हिसाब से हमने वहाँ 200 अबव था, वो 2 ट्रिप्स करके ला चुका है। और भी कई जगह पे जहाँ पे अभी स्टॉप है वो तो अभी ये रास्ते में वो लोग बंदूक लेके घूम रहा है, तो कैसा डरावना माहौल था, कितना डरावना तो होगा। ये जो अपने हथियार लेके चलेगा तो डरावना होगा, फायरिंग हो रहा है इधर उधर, फायरिंग हो रहा है, चाहे कैसे भी वो फायरिंग कर रहा है, चाहे आम फायरिंग करे, वो किसी को भी लग सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो डरावना तो है ही है, माहौल डरावना है, वहाँ पब्लिक डरे हुए है। हमारे हम तो दूसरे घंटे के थे, हम तो डरना ही चाहिए।